अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जो है वो सर कर पर है, मतलब कि 2 महीने कुछ भी नहीं होते एक टीम की तैयारी के लिए, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि कौन कौन टीम के अंदर शामिल होगा, और ये वाली चीज़ जो है अब बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने आ गई है। PSL के इख्तिताम के वक्त पाकिस्तान को कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो फॉर्म के अंदर हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल होना चाहिए। आमिर का नाम लिया जा रहा है, इमाद वसीम का शोरों शोर से नाम लिया जा रहा है कि किसी भी तरह इन लोगों को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाए। क्या पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि आमिर को टीम के अंदर शामिल किया जाए, और स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर इमाद वसीम की जगह बनती है या नहीं? हालांकि इमाद वसीम ने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को वाला मैच जितवाया था, जिसके अंदर आखिरी बॉल पर उसने छक्का मारा था, और कल जो मैच हुआ है उसके अंदर 3 विकेटें जिस तरह उसने उड़ाई हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि वो अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ चुका है। आमिर ने 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था और बेहतरीन वाली बॉलिंग की थी अपने आखिरी मैच के अंदर, जब क्वेटा ग्लेडिएटर बाहर हुआ था उसमें आमिर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उनकी टीम जीत नहीं सकी। अब T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन सा खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर शामिल होगा, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों ये आप लोगों को फैसला करना है कि कप्तान के शाहीन शाह अफरीदी रहेगा या इसको चेंज करना है। चेंज करना है तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सोच रहा है कि नया कोच जब आएगा तो उससे हम मामला जो है वो पूछेंगे, और अगर वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाना चाहेगा वर्ल्ड कप के लिए तो हम उसके साथ जाएंगे। कोच का फैसला पहले होना है कप्तान से पहले, तो कप्तान से पहले अगर कोच का फैसला होना है, शेन वॉटसन तो आपको ठेंगा दिखा गए हैं, माइक हैसन ने भी जवाब दे दिया है, डैरेन सैमी भी आने को तैयार नहीं है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? हंगामी तौर पर एक अंदरूनी तौर पर एक जैसे कहते हैं ना गले के अंदर से हाथ डाला और एक कोच निकाल के, उसमें या तो वकार यूनुस हो सकते हैं, या वकार यूनुस की जो बातचीत है जितनी उनकी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जितने वो गंदे हो चुके हैं एज अ कोच उसका तो मुश्किल लगता है। मिसबाउल हक का कुछ चांस बन सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने अभी अंडर-19 की टीम को कोचिंग की थी और अंडर-19 की टीम जो है फाइनल तक गई थी, हो सकता है मोहम्मद यूसुफ को कोच बना दिया जाए। स्पिन डिपार्टमेंट में सखलैन को उठा लेंगे, मुश्ताक को उठा लेंगे, किसी और को उठा लेंगे, ये सारी चीज़ें बन बनाकर जो है वो हंगामी तौर पर जो है अगर कोच गोरा कोई राजी नहीं हुआ, जिसके इम्कान बहुत ज़्यादा कम भी हैं, तो न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए फौरी तौर पर जो है वो इन जैसे कहते हैं ना कि बहुत मुल्क के अंदर जो बिखरे हुए कोच हैं, जो अच्छे खासे जो लोग हैं उनको उठाकर, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, इन तमाम लोगों को जमा कर न्यूजीलैंड की सीरीज़ तो निपटाई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि वर्ल्ड कप के लिए कौन कोच होता है। लेकिन टीम के अंदर अगर बात की जाए तो तमाम तर चीज़ें जो है वो पक्की चली आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा है, मोहम्मद रिजवान भी खेल रहा है, बाबर आजम भी खेल रहा है, ये कहीं से भी ड्रॉप नहीं हो सकते, ये तीनों खिलाड़ी पक्के हैं। नसीम शाह की वापसी हो रही है टीम के अंदर, शादाब खान भी टीम के अंदर वापस आ रहा है, इफ्तिखार की जगह वैसे ही पक्की है, सऊद शकील ने भी जगह बना ली है। हमने एक खिलाड़ी जिसको ज़ाया करते हुए हम नज़र आ रहे हैं, उसकी अपनी बैटिंग पक्की नहीं हुई है, हम उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइम अयूब, ये बिगड़ जाएगा खिलाड़ी अगर बाबर आजम ने इसी तरह इसको अपना नमूने के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इसकी बैटिंग पहले पक्की होने देता। मेरे भाई बाबर आजम, तुमने इस खिलाड़ी को जो है इस बॉलिंग के चक्कर में लगा दिया, वो अपनी बैटिंग का कॉन्सेंट्रेशन सही से नहीं कर पाया था, तुमने उसके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बॉलिंग के ऊपर भी लगा दिया, ना उसकी बॉलिंग चल रही है ना उसकी बैटिंग चल रही है। कल भी जिस तरह पहली बॉल के ऊपर 4-1 रन बना के वो आउट हो गया था, तो ये वाली बात सोचने वाली है कि किस तरह एक खिलाड़ी को हम ज़ाया कर रहे हैं। और बाबर आजम के ऊपर तो पहले इल्ज़ाम है कि इसने बहुत सारे खिलाड़ियों को ज़ाया किया है, एक और खिलाड़ी इसके ऊपर आ जाएगा। साइम अयूब खेलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि आज़म खान जो है वो शायद ना हो, और दूसरा विकेट कीपर हारिस भी नहीं होगा, तो और फिर कौन हो सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि कोई एक और खिलाड़ी जो है जिसको विकेट कीपिंग भी आती हो वो जो है वो टीम के अंदर शामिल होना चाहिए। लेकिन T20 फॉर्मेट है, इसके अंदर मोहम्मद रिजवान भी अगर अकेला विकेट कीपर है तब भी मामला चल जाएगा, और यही मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब टीम की लाइनअप क्या हो सकती है, सऊद शकील या फिर हमारे खिलाड़ी जो हैं साइम अयूब, वो हो सकते हैं कि वो और सलमान अली आगा भी टीम के अंदर शामिल है, मुझे ये भी लग रहा है। तो पाकिस्तान की टीम इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, अब्बास आफरीदी भी कमी पूरी कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अगर अब हम बैट्समैनों की से ले लें, फास्ट बॉलिंग के बाद में जाएंगे, साइम अयूब, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार चाचा, ये सारी तो बैटिंग की लाइनअप हो गई। उसके बाद जो है आपको अगर स्पिन डिपार्टमेंट को देखना हो, शादाब खान बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। इमाद वसीम को टीम में शामिल कर सकते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चाचा भी बॉलिंग कर सकता है, साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकता है,
और सलमान लियाका भी बॉलिंग करवा रहा है, अब इमाद वसीम की जगह बनती है या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है जो सिलेक्टर्स के सहन जहन में आएगा, लेना है इसको नहीं लेना। अब अगर ये इसको साइड में कर दें, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर नसीम शाह पक्के हैं, हारिस रऊफ अगर फिट हो गया तो पक्का है, अगर हारिस रऊफ फिट नहीं हुआ तो शायद आमिर की जगह बन जाए, और उसको पहले रिक्वायरमेंट बहुत सारा पूरी करनी है, रिटायरमेंट वापस लेना है, एक आध को डोमेस्टिक मैच खेलना है, उसके बाद वहाब रियाज जो है वो शायद उसको शामिल कर ले, क्योंकि वो तमाम तरह रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर ले, अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा तो शायद वहाब रियाज उसको शामिल ना करे। अब्बास आफरीदी हमारे पास एक बेहतरीन चॉइस है, मोहम्मद अली इसको उठा लें, अभी बहुत अच्छा बॉलर है और जिसने PSL के अंदर बहुत ज़्यादा मुतासरगुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, अगर अभी नहीं उठाना तो अगले सीज़न के बाद आप इसको उठा सकते हैं, पक्का हो जाएगा। कच्चा खिलाड़ी जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए शाहिन शाह आफरीदी नसीम शाह के जो भाई हैं उनको भी अभी कच्चा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब्बास आफरीदी अगर आमिर है तो आमिर, वरना हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहिन शाह आफरीदी, और इसके अलावा हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट के अंदर खिलाड़ी बचे हुए हैं उसके अंदर और कोई जगह नहीं बनती। शाहिन शाह आफरीदी एक खिलाड़ी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, हारिस रऊफ के साथ अगर आमिर को भी रखना है तो या दोनों को ही रखना है, अलग अलग रखना है, और फिर अब्बास आफरीदी हो गया, और इसके अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा हमको। तीन फास्ट बॉलर बेहतरीन वाले पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं, और शाहिन शाह आफरीदी और ख़ुद को ऑलराउंडर समझते हैं, इसलिए चार से पाँच फास्ट बॉलर जो है उनका कोटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरा हो गया है, तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट और बैट्समैन सारे पूरे हो गए हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको इमाद वसीम को रखना है तो रखें, वरना इनमें से कोई एक बॉलर जो है, अगर इमाद वसीम को रखना होगा तो इनमें से एक बॉलर को कम करना पड़ेगा, अगर आपको इनमें बॉलर को भी कम नहीं करना है, फास्ट बॉलर्स को भी, इमाद वसीम को भी रखना है, तो फिर आपको सलमान अली आगो को शायद बाहर निकालना पड़ेगा। यह है मेरी लाइनअप, और ये वाली टीम जो है इसके बारे में गौर और खौस किया जा रहा है कि इस टीम को जो है वो बनाकर भेजा जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर आपको जितवाना है, जीतने की कोशिश भी करनी है, तो आपकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए, ख़राब टीम और ख़ास तौर पर कप्तानी का फैसला जो है वो होना चाहिए, जिस तरह शाहिन शाह आफरीदी ने मायूस किया है, तगड़ी टीम होगी तो पाकिस्तान फाइट कर सकेगा, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बाबर आजम को लोग कहते हैं कप्तान नहीं बनाना, शाहिन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटा दो, मोहम्मद रिजवान बहुत ख़राब है, उसको कप्तान नहीं बनाना, तो फिर पाकिस्तान में किसको कप्तान बनाना है, कोई ये वाला मशवरा भी दे दे, वर्ल्ड कप के अंदर किसको कप्तान होना चाहिए, ये भी आज का सवाल है, और इस टीम के अंदर से कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी इन हो सकते हैं, इस बारे में भी आपको बताना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।